जिला व्यापार मंडल का एक दिवसीय सम्मेलन संपन्न हो गया है, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज अरोड़ा ने प्रतिभाग करते हुए व्यापारियों से एकजुट रहने तथा संगठन की मजबूती पर जोर दिया है। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष बबलू नेगी ने सभी व्यापारियों का स्वागत करते हुए कहा कि मॉल कल्चर तथा ऑनलाइन व्यापार ने व्यापारियों को काफी प्रभावित किया है। इस समस्या से निपटने के लिए सभी व्यापारी केंद्र और राज्य सरकार के संपर्क में हैं। जरूरत पड़ने पर बड़े स्तर पर आंदोलन भी किया जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज अरोड़ा ने भी ऑनलाइन व्यापार तथा मॉल कल्चर को समाप्त करने की मांग की है। जिला सम्मेलन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। व्यापार संघ प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का आज जिला सम्मेलन और जिला बैठक यहाँ पर का आयोजन हमारे द्वारा सबके द्वारा यहाँ पर रखा गया था, और उसमें यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे प्रदेश के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय व्यापार संघ के मंत्री यहाँ पर आदरणीय बड़े भाई मनोज अरोड़ा जी उपस्थित रहे, और सभी लोग यहाँ पर जिला कार्यकारिणी और नगर कार्यकारिणी जो हमारी 13 इकाई है उसमें से गरुड़ के बागेश्वर टीट बाजार सभी हमारे नगर के अध्यक्ष महामंत्री यहाँ पर उपस्थित रहे, वर्षीय व्यापारी उपस्थित यहाँ पर रहे। तो आज का जो हमारा मेन मुद्दा जो था, अपनी अपनी समस्याएं जो है सभी जो हमारे नगर के अध्यक्ष आए यहाँ पर और व्यापारी द्वारा रखी गई, जैसे ऑनलाइन की सबसे मेन समस्या ऑनलाइन संबंधी रही, जिसमें हमारे वरिष्ठ प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष मनोज जी द्वारा और प्रदेश के अन्य संगठन के जो हमारे अध्यक्ष संगठन मंत्री हैं और लोग हैं उनके द्वारा समस्या को सुना भी गया, जिसमें पूर्ण पहले से भी इसमें कई समय से इसमें चर्चा भी चली है, और उसमें इनके द्वारा बार बार जो है प्रदेश के लोगों और राष्ट्रीय लेवल के जो हमारे नेता हैं इनके द्वारा इसमें पूर्ण विरोध और चर्चा भी भारत सरकार के साथ करी जा रही है, और मुझे वो है कि जल्दी इसमें कोई ना कोई निर्णय निकलेगा। आज ही जो है हमारी जो जिला नई कार्यकारिणी बनी है उसके भी हमारे द्वारा यहाँ पर मनोनयन जो करे हमने उनकी घोषणा करी गई, और यहाँ पर जो है महिला जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री और जिला उपाध्यक्ष की भी यहाँ पर घोषणा यहाँ पर आज हमारे द्वारा यहाँ पर करी गई है। हम आशा है कि महिला व्यापार संघ में जो महिला अध्यक्ष और महिला महामंत्री जो टीम बनेगी कहीं ना कहीं व्यापारी एकता में और व्यापार को संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। व्यापार मंडल में हमारे प्रदेश स्तर से निर्देश है कि समय समय पर व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला बैठकों का आयोजन किया जाए। इसी के तहत आज यहाँ पर बागेश्वर में जिला सम्मेलन जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें एक सूर से हमारी जितनी भी ग्रामीण इकाइयाँ हैं या नगर की इकाइयाँ हैं सबने एक सूर में ऑनलाइन व्यापार का विरोध दर्ज किया, साथ ही मॉल संस्कृति का विरोध करा। हम पहले से भी ये इन सभी मुद्दों पर लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ते आएंगे। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं और देश सरकार से भी निवेदन करते हैं कि अगर आपने व्यापारियों की इन बातों को नहीं माना और तो हम इसका विरोध करेंगे, और कोशिश तो ये रहेंगे करके अगर आपसी भाईचारे में अगर मिलकर अगर ये इस समस्या का समाधान हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हमने तो इसका विरोध करना है, क्योंकि इससे छोटे छोटे व्यापारियों की को आजीविका उनकी साधन बहुत ख़त्म हो रहे हैं, और एक सूत्र सभी व्यापारी ने आज इसका विरोध करा है। वार्षिक जिला सम्मेलन हमारा एक होता है, वार्षिक बैठक होती है, उसी क्रम में जो है आज ये बैठक यहाँ पे गुरुद्वारे में के हॉल में की गई। वैसे तो ये अगस्त 25 तारीख हम लोगों ने इसके लिए तय किया था, लेकिन किन्हीं कारणवश उस टाइम यह बैठक नहीं हो पाई, तो आज इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जिले की जो विभिन्न नगर हैं उनकी टीमें यहाँ पे आई थी। अध्यक्ष और महामंत्री ने इस बैठक में प्रतिभाग किया था। व्यापारी समस्याओं की हम लोग इसमें चर्चा करते हैं, और इस टाइम तो हमारे सामने सिर्फ एक ही समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो व्यापार के सामने अभी आ रही है वो मॉल और ऑनलाइन जो व्यापार आ रहा है। ऑनलाइन व्यापार के लिए मेरा पर्सनली मानना है कि लोग कहते हैं कि डीप डिस्काउंट दे रहे हैं, डीप पॉकेट्स हैं इनकी, मेरा अपना मानना है कि इतनी डीप पॉकेट्स किसी की नहीं है कि वो 40% 50% जो है लंबे टाइम तक डिस्काउंट देता रहे। मेरा अपना मानना है कि ऑनलाइन जो माल बिक रहा है 50% से ज्यादा उसमें डुप्लीकेट फर्जी और घटिया
क्वालिटी का माल बिक रहा है, इस बात को मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि FSSAI जो है इनके खाद्य पदार्थों की जो है जांच करवा ले, ऑनलाइन जो जूते बिकते हैं उनको चेक करवा ले, ऑनलाइन जो जीन्स बिक रही है लिवाइस की जीन्स, रैंगलर की जीन्स जो है 70% ऑफ में बिक रही, कैसे बिक सकती है? आप कंपनी से बात कर लीजिए ना, वो मना करेंगे, बोलेंगे नहीं 70% पे हम डिस्काउंट पे हम लोग माल नहीं बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सारा डुप्लीकेट माल बेच रहा है। हमारी यही लड़ाई है, क्योंकि अगर ये लड़ाई, हालांकि अपना मेरा पर्सनल मानना है कि 2 साल 4 साल 5 साल के बाद ये बुलबुला फूटेगा, ग्राहक एक दिन जागरूक होगा, उसे लगेगा कि यार ये मेरा बाल डुप्लीकेट आ रहा है। आप चूंकि मीडिया से हैं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप कई लोगों से बात करिए तो वो कहेंगे जी हाँ बहुत सारी चीजें जो है डुप्लीकेट आ रही है। और दूसरा, ये बुलबुला ऑनलाइन का कभी ना कभी फूटेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, लेकिन उसके साथ साथ जो है दो चार बातें और भी हैं कि जब तक ये बंद नहीं होता है, हम लोग प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को इसके लिए लगातार अनुरोध कर रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो भविष्य में शायद एक बड़ी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है अपने व्यापारी भाइयों से हम लोग कह रहे हैं कि अपने प्रॉफिट पे कट लीजिए। अगर आप 15% प्रॉफिट पे काम कर रहे थे तो आप 5% पे करिए, 8% पे काम करिए, और ग्राहक के साथ अपना व्यवहार बहुत मधुर बनाइए, ताकि जो है हम लोग भी जो है ग्राहकों का विश्वास जो है जीत सके। और देखिए, मुझे उम्मीद है कि देर सवेर जो है व्यापारियों की जीत होगी। CGN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।